अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। जी तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, साथ नरमीन खान के व्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो है वो काफ़ी सर्दी हो रही है इस टाइम, हम लोग रात के टाइम में हम लोग बाहर हैं। जी हमारे देख के आप वैसे तो गेस कर लिया होगा जी, आज हम आए हैं एमएम आलम जो न्यू तहजीब बेकरी खुल गया है वहाँ पर। तो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कैसा रहा कैसा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और हमारे घर के करीब थी और हम आए नहीं थे, तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं। नवीन अभी यूनिवर्सिटी से आई थी जी। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आई थी और मैंने सिर्फ खाना खाया था और मामा पापा अंदर भी चले गए, चले अब हम भी चलते हैं जी। चलो एंटर हो। तहजीब का फ्रेंड है अंदर जाने का और नवीन आपके सामने है। हेलो नवीन जी, चलो चले अंदर फिर। हाँ तो हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे मामा पापा भी हैं, मामा पापा भी यहाँ पे हमारे साथ आए हैं। तो आज हम लोग सारी मतलब पूरी फैमिली आए हैं कि देखते हैं कि शोर बहुत है, नहीं तो अलाउड बोलो, हम लोग देखते आए हैं कि बेकरी कैसी है और काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है। और ये आप लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद की सेकंड ब्रांच यहाँ लाहौर में ओपन हुई है, ये देखते हैं कि काफ़ी अच्छी है और इनके फ्रेश आइटम्स काफ़ी अच्छे हैं। क्या है ये? बिस्किट है। बिस्किट्स हैं, उन्होंने ट्राई करने के लिए दिए हैं। आप ही जी कैसे हैं नवीन? आप भी और यहाँ पे मामा भी ट्राई कर रही हैं। अच्छा टेस्ट है, फ्रेश है, अच्छा है। फ्रेश बन के आए हैं, उन्होंने बोला कि आप ट्राई, काफ़ी टेस्टी है। तो चले विजिट करते हैं, आप टेस्ट कर लो। वैसे क्या है ना, मतलब ऐसे मुँह में लगे घूल रहे हैं और मलाई की तरह, और भी शुगर जो है वो नॉर्मल है हाँ, तो इसलिए बहुत टेस्टी है ये दोनों। ओके तो हम लोग आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें भी देखते हैं। यहाँ पर कुछ बेकरी आइटम्स में ये न्यू केक पांडा, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तहजीब पे मिल रहा है, जिस जिसने बाय करना है वो तहजीब आ जाए जी। ये मतलब मैं डन समझू से ना ऑर्डर करूँ जी, टेस्ट पता चलेगा कैसा। बहुत मज़े मज़े के केक सके हैं और आप लोगों को देखिए देखें वहाँ पे स्मॉल साइज के भी इतने होते नहीं हैं, मतलब वन पाउंड भी काफ़ी बड़ा होता है। तहजीब पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप जो है वो सामने ब्रेड लेने जा रही है, हम लोगों ने ब्रेड लेनी है स्मॉल स्मॉल मिल्क की ब्रेड स्मॉल में हमें इनकी ब्रेड ट्राई करते हैं, क्योंकि नरमीन डेली ब्रेड खा के जाती है। मैं आजकल ब्रेड पर जिंदा हूँ, मैं डेली सुबह को ब्रेड ये देखती हूँ। ये इनकी मिल्क की ब्रेड है फ्रेश, ये स्मॉल है, नरमीन के लिए हाँ सुबह ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे ये इनकी सारी रेट लिस्ट है, मीन्स इनका मेन्यू है। यहाँ पे आप किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती, वो पहले रेट चेक कर ले और फिर जाके अपनी चीज़ बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, वैसे और बेकरीज पे मोस्टली इस तरह नहीं होते कि रेट लिस्ट सेपरेट रखी हुई, पर यहाँ वो जब लेने आते हैं काउंटर पे तभी बताते हैं कि क्या प्राइस है उसके। मुझे हम लोग क्या लेने लगे हैं, बिस्किट लेने लगे हैं, क्या कहेंगे वहाँ केक रस। अच्छा ये वाले केक रस, ये कुछ बेकरी आइटम के साथ ही इन्होंने यहाँ पे सैलेड वगैरह भी रखी हुई है, है ना। हाँ सैलेड का आइटम काफ़ी सारा मिलता है, मैकरोनीज भी हैं, फ्रूट सैलेड्स भी हैं, स्वीट भी हैं और स्पाइसी भी हैं। और देखो इनके मैकरोनी ना डिफरेंट टाइप के, जैसे हम और देखते हैं ना वो येलो कलर में और स्पाइस, क्योंकि उन्होंने फूड कलर सेट किए होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल वाइट प्लेन स्पेगेटीज का भी सेम कलर है। ये ऐसे डिफरेंट है लेकिन ट्राई करेंगे फिर बता दो। मीन यहाँ पे सैलेड लेने लगी है, ट्राई करते हैं कि कैसे।
ये वाली जी, और वो स्पेगेटीज नहीं, मीन को स्पेगेटीज पसंद है तो वो स्पेगेटीज ही ले रही है। ये थोड़ी कॉर्न से जी नरमीन, देखते हैं कैसी होती है ये। हाँ ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ पर लेने लगे हैं चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड के बगैर हमारी शॉपिंग जो होती है वो कम्प्लीट होती है हमेशा। कौन सी लेनी है? स्मॉल चिकन ब्रेड, ये वाली कर दें। एक ये वाली कर दें। हाँ जी ये वाली देख कर इसका टेस्ट कैसा होता है, आएंगे तो पता चलेगा कैसा है टेस्ट। अभी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ। ये देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, देखो ये क्या है, पिज्जा की तरह नाम भी लिखा है। जो है वो अलग से मतलब चिप्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह नहीं रखे हुए इन्होंने अपने। ये देखो नमक पारे और ये पॉपकॉर्न सैंडी और वहाँ पे चिप्स रखे हैं। मेरा हाथ नहीं जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए थे एग भी, लेकिन यहाँ पर एग नहीं है। बाकी काफ़ी कुछ है मतलब बेकरी आइटम्स बट एग्स नहीं है। और मीठे में बहुत सारी डिशेज हैं जी, और ये ड्राई केक्स हैं देखो डिफरेंट। मामा को बहुत पसंद है हनी केक, ये वाला देखो। वाओ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना। हाँ पर हमें एग चाहिए थे जनरली उनको डेली सुबह खाना होता है नाश्ते में। अब मैंने अपनी रूटीन चेंज कर दी। पापा कहीं और से लेके आएंगे। गुंडू कहाँ से? गुंडू कहाँ से बैठ के हमें यहाँ पे फ्राई आइटम्स में कुछ मिली है जिसमें चिकन चीज़ समोसा कबाब ग्रिल सैंडविच चिकन समोसा वेजिटेबल समोसा शाशलिक स्टिक्स ओके और वो शायद पेटीज हैं और सीख कबाब सारी रोस्ट नहीं है चिकन रोस्ट भी है रोस्ट भी है। आप ये दो ये कर दें ड्रम स्टिक्स भी है। ये लाए भाई यहाँ पर कबाब है और ये लोग जो आपको सूट कर रहा है वो देख ये समोसा ले ये कर दें चिकन समोसा कबाब और समोसा ये देखते हैं कैसा होता है टेस्ट में। फ्रेश बने हुए हैं इसलिए ले लिया हमने। चलो रख दो देखने में तो अच्छी लग रही है। आज हम लोग यहाँ पर आए कि नई बेकरी ओपन हुई है तहजीब के नाम से MM आलम रोड पर। आज हम उसे काफ़ी चीज़ें देकर जा रहे हैं टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा टेस्ट है। वो बिस्किट तो अच्छे थे बाकी देखने में बाकी बहुत अच्छा लगा। उसका टेस्ट तो बहुत मज़े का था क्रीम। वो जो भी कस्टमर अंदर एंटर हो रहा है वो सबको टेस्ट करवा दें मतलब हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला नहीं आएंगे तो बताएंगे कैसे हैं। इसी तरफ चले गए हैं अपने जो चीज़ें ली हैं उनका बिल करवा रहे हैं और फिर चलेंगे घर और टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे। हम लोग बाहर आ गए हैं और सब बाहर इधर जा रहे हैं तो चले चलते हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड है। तो तहजीब बेकरी से हम लोग बाहर आ गए हैं और साथ ही यहाँ पे स्टाइलो है। हम MM आलम के रोड पे फिर तो साथ ही यहाँ पे स्टाइलो है और मामा वगैरह सारे उधर गए हैं देख रहे हैं। बहुत बाइक गुजर जाए पहले तो हम लोग भी अंदर जाने लगे हैं। उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा देना इससे पहले हम लोग खुद ही कर लेते हैं करवा देंगे। हम लोग अंदर चलते हैं चलो कर रही है हर जगह लाइबा ग्लासेस देखती है कुछ तो करना है। लोग MM आलम आए थे और हम लाहौर में जो है वो काशी ब्यूटी सैलून की ब्रांच खुली थी तो हम लोगों ने उसको विजिट नहीं किया था। तो आज हम लोग इतना करीब आए तो सोचा हमने क्यों ना इधर भी विज़िट करते हैं और क्योंकि हमारी फैमिली में एक फंक्शन आ रहा है तो उसकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो तो हमने सोचा वो भी पूछ लेते हैं। जी ये कितना घूमेंगी बेचारी थक जाएंगी लाइबा
ये बेचारी थक जाएंगी। एंटर होते साथ ही जो है वो उन लोगों ने वो वाला एरिया आता है जहाँ पर उनके ब्राइडल शूट्स वगैरह होते हैं, और काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है ये। तो बाकी हम लोग अंदर चलते हैं। चलो हाइबा तो चली गई है अपने मेकअप वाले एरिया में। हम लोग जैसे ही एंटर हुए साथ ही, इतना प्यारा मेकअप था। इनके जो है ना आईलैशेस पसंद है, तो ये उनका आईलैशेस वाला पार्ट है, खतरनाक ही है मेरे को जी, है ना। ये इनके डायल्स हैं, काशी स्टाइल्स, और काफ़ी प्यारा इन्होंने ये बनाया है कि मैं ट्राई करूँ। ब्राइडल सामने उनकी ज्वेलरी, और ये ब्राइडल वेयर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। काशी ने जो अपने कपड़े डिज़ाइन किए उन्हीं के कटिंग भी बनाए। तो हम लोगों ने काशी विजिट कर लिया है, और अब हम लोग जाने लगे हैं वापस बाहर मुंबई। और ये शूट वाला एरिया इतना प्यारा लग रहा है। लाइबा कह रही है मेरी यहाँ पे पिक्चर बनाओ, अब पता नहीं यहाँ पे अलाउ भी है कि अभी अभी लाइबा ने इस स्विंग पे बैठ के जो है वो टिकटॉक बनाई है, और काफ़ी खूबसूरत ये है बना हुआ। तो चले हम लोगों ने अब वापस जाना है बाहर, क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं। मेंस आर नॉट अलाउड वहाँ लिखा था। बाकी यहाँ पर अभी भी शूट हो रहा है वैसे, है ना, ब्राइडल शूट हो रहा है। ब्राइड एंड ग्रूम दोनों है जी। तो ये सारा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो चले वापस बाहर चलते हैं, पापा भी वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं इंस्टॉल आ रहा हूँ, पापा बाहर हैं जी। आ चुके हैं, और ये नरमीन ट्राई करने लगे। ये सैलड थी, नरमीन ने ओपन की है, और ये हमने लिया था कबाब, और चिकन का कबाब था, और चिकन समोसा इसके साथ, और यहाँ पे हमने ली थी चिकन ब्रेड। तो ये सारा नरमीन आप देखते हैं और देखते हैं कैसी है जी। चलो नरमीन पहले क्या ट्राई करने लगे। पहले हम लोग मैक्रोनी देखने लगे हैं, स्पेगेटीज और वो कॉर्न वाली नरमीन ने मिक्स करवाई थी ना। कैसी है? तो टेस्ट है वो इसका काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा स्पाइसी है और ना बिल्कुल, देखने में भी वो स्पाइसी नहीं लग रही। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है स्पाइसी, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ब्लैक पेपर में बनी है, कॉर्न जो है ना, कॉर्न बिल्कुल सिंपल है, कोई स्पाइस नहीं है इसमें। हो सकता नीचे कुछ हो। जो डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्पाइस नहीं है। और यहाँ मामा भी बैठी हुई है, मामा हंसती हैं कि हम पापा से रिव्यू करवा रहे हैं। ये चेक करते हैं कैसा। सॉस नहीं था, हम लोग स्पाइसी खाने वाले लोग हैं, इसीलिए हमें ये इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा है कबाब। टेस्ट करते हैं कैसा है कबाब। पापा ट्राई करने लगे हैं। मैं चिकन ब्रेड ट्राई कर लेती हूँ। कबाब बेहतर है और चिकन ब्रेड, चिकन ब्रेड अच्छी है, मज़े की है। मुझे ये अच्छी लगी है, कहीं भी हम जाते हैं वहाँ स्पून अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ तहजीब पे हम गए हैं तो इनके स्पून बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है, मैयार अच्छा है इनकी चीज़ का, चम्मच जी का। और अंदर उन्होंने अच्छे से उनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का। जैसे हम लोग एंटर हुए थे उन्होंने अपने बिस्किट जो है वो हमें ट्राई करने के लिए दिए थे जी, वो रिव्यू ले रहे थे। चलो ये सब खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने तहजीब का रिव्यू तो आपको दे दिया है, और अच्छी थी काफ़ी आइटम की ट्राई। और यहाँ पे सुबह मैंने ना फिश को मसाला लगाया था, पापा लेके आए थे, तो अभी हम जो है ये फ्राई करने लगे हैं, और फिर इसको भी खा के बताएंगे कैसी है। मेरी अपनी रेसिपी है मेरे चैनल पे, इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने आज थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है क्योंकि मामा ने कहा था चटपटी बनाना, तो मैं इसको फ्राई भी करने लगी हूँ। और यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, तो बस चलें फ्राई करते हैं। फिश फ्राई करने लगे, ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, तो पहले जो है ना हम दो पीस ही फ्राई करके चेक कर लेते हैं कि इसमें नमक जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये देखिए मज़े से फ्राई हो रही है, और ये भी खा के बताएंगे कि ये कैसी है। हमारी ये फिश जो है फ्राई हो गई है, बाकी मैरिनेट होके रखी है, और साथ लाइबा यहाँ पे बाकी फ्राई करने की तैयारी कर रही है। पहले वो मैंने कहा वो ट्राई कर लेते हैं, अगर उसमें नमक
तो ये मामा के पास पापा के पास लेके जाते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि कैसी है। क्या कौन सी बेकरी थी वो? तहजीब के बाद लाइबा बेकरी। कुकिंग विद लाइबा। तो चलें ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिश अंदर ले आए हैं। मजे ही मजे हैं आज। पापा कह रहे मजे ही मजे। बेकरी थी, अब फिश आ गई। अब कुकिंग विद लाइब्स की बेकरी। अब देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ये लाइबा ने फ्राई किए हैं फिश। खाली फ्राइंग की। मैरिनेट भी किया है। ये टोटली लाइबा ने किया है इसको रेडी। तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। कैसी है लाइबा? तो अपने आप को अच्छे मार्क्स देगी ना, पापा बताएंगे सही। तो कैसा रिव्यू है पापा इसका? बहुत टेस्टी सब लग रही, बहुत जबरदस्त लग रही है। इसका जो मसाला है वो मामा पीछे से कहेंगे कमाल की। मामा ने खाई नहीं, थोड़ी सी टेस्ट की है तो मजा आ गया। अभी और भी देखते हैं। अभी तो नमक चेक करवाने के लिए लाए थे। बहुत टेस्टी है। तो चले मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इस टाइम। तो चले अपनी फिश खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। हम लोगों ने बेकरी विज़िट की और घर आके हाँ काशिश भी, और उसके बाद घर आके हम लोगों ने फिश खाई और काफ़ी हमने इंजॉय भी किया आज। तो यही आप लोग सोचोगे हम उनके सैलून साइड पे क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं वो कर रहे थे ये। तो हमने बस बना ली थी, उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कैमरा हमारा बंद करवा दिया था जी। तो इसलिए हम फिर सैलून की तरफ नहीं गए। हमने फिश भी खा लिया और सबको बहुत पसंद भी आई है, काफ़ी टेस्टी बनाई थी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मस्ट मस्ट सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए व्लॉग ला रहे हैं ताकि आप उसको एंजॉय करें। और उसका रिस्पांस जो है वो हमें अच्छा चाहिए, और वो अच्छा इस सूरत में कि आप सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाएं जी। और तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें चैलेंजेस का कह भी रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी इनकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी कर दें। और आधी ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जी, जी, और क्योंकि सब्सक्राइब करना मस्ट है। इसके इससे आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी सब्सक्राइब करने से। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।